ठीक है संजय का हाँ क्या अरे अपने सॉरी 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 नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। और आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा अलग। आज का वीडियो है एक काइंड ऑफ व्लॉग जिसमें कि हम ऑनर बैंड 6 और एमआई बैंड 6 के साथ 24 आवर्स स्पेंड करने वाले हैं, जिसमें इंक्लूडेड है एक हाइकिंग जो पहाड़ों के बीच से होते हुए हमें जाना है, और एक रात की स्लीप विथ एमआई बैंड 6 एंड ऑनर बैंड 6 टाइड ऑन द रिस्ट। तो ये सब का डिटेल्स रिजल्ट्स हम देखेंगे कि कैसे दिखा रहा है। तो दोस्तों, ऑनर बैंड 6 और एमआई बैंड 6 दोनों को ही चार्ज करके रख दिया था मैंने 100% तक, और एट द सेम टाइम ही ने चार्जिंग पोर्ट से निकाल लिया था। ये किसी भी तरीके से कंपैरिजन नहीं है ऑनर बैंड 6 और एमआई बैंड 6 के साथ, क्योंकि इसमें कुछ भी साइंटिफिक डेटा के साथ हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं। मैं जस्ट इसे कैजुअली यूज कर रहा हूँ एक कंप्लीट 24 आवर्स के लिए दोनों भी वॉचेस, और हमें जस्ट देखने कि दोनों वॉचेस कैसे रिजल्ट देते हैं, क्या क्या एक्यूरेसी इसमें आती है, क्या क्या डिफरेंसेस इसमें दिख के आते हैं। एक्यूरेसी टेस्ट का अगर बात करें तो ऑनर बैंड 6 का मैंने इससे पहले साइंटिफिक एक्यूरेसी टेस्ट की हुई है डिटेल में, आप इस लिंक से जाके उसे चेक कर सकते हैं। लेकिन एमआई बैंड 6 का अभी तक नहीं हुआ है, जल्द ही हम उसका भी एक्यूरेसी टेस्ट करने वाले हैं। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और उस नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम एमआई बैंड 6 का एक्यूरेसी टेस्ट करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे दिन की शुरुआत हो चुकी है, सुबह के 5:40 हो चुके हैं। अलग अलग रिस्क पे पहनने के बाद मे बी राइट हैंड का मूवमेंट अगर ज्यादा होता है तो स्टेप काउंट्स में डिफरेंस आ सकता है। तो टू बी ऑन बेटर साइड में लेफ्ट साइड में ही इन दोनों को पहन रहा हूँ, और यहाँ पे ब्राइटनेस भी दोनों का सेम लेवल पे सेट कर देता हूँ ताकि बैटरी कंजम्पशन भी इक्वली हो। ऑनर बैंड 6 में स्टेप काउंट 1 दिखा रहा है, एमआई बैंड 6 में 0 है। एचआर काउंट ऑनर बैंड 6 का 76, एमआई बैंड 6 का 86। तो हियर वी स्टार्टेड फॉर आवर ट्रिप टुडे, एंड माय वॉच आई जस्ट वेयर टू वॉचेस, न्यू एक्सपेरिमेंट लुक फनी। हां, न्यू एक्सपेरिमेंट। सो लेट्स सी हाउ दिस परफॉर्म, ऑनर बैंड 6 वर्सेस एमआई बैंड 6। चलो कहाँ लेके जाना, संदीप हमें कहीं लेके जाना है? मारुन जी हिल्स, मारुन जी हिल्स। चलो चलो, अभी निकाल दो मार। वो दिख रहा है पीछे वाला पहाड़, एकदम पीछे वाला, क्योंकि उसकी टिप दिखाई दे रही है वहां पे, एक हल्का सा झंडा दिख रहा होगा एकदम पीछे, दिख रहा है पेड़ के साइड में एक छोटा है, सबसे पीछे जो तक चोटी दिख रही है, सबसे हाँ सबसे पीछे चोटी वहां पे। Okay. Let's do it, boys. तो ये बीच में पहाड़ आप देख सकते हैं, और दोनों तरफ है कंक्रीट के जंगल दोनों तरफ से, लेकिन ये पहाड़ काफी अच्छा लग रहा है बैक साइड में, वहीं पे हम जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी ये थोड़ी देर वॉकिंग करने के बाद काफी अच्छा लग रहा है, फ्रेश एयर है, और ये रीडिंग्स है हमारी, रीडिंग नंबर 2, सुबह के 7:21 हो चुके हैं। तो यहाँ पे स्टेप काउंट में थोड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है 291 स्टेप्स का। ये पहुंच गए हम लोग। एक बार ये सब ये मैं एक बार कर चुका हूं पहले भी।
तो और ये है हमारा रिवॉर्ड। और ये काफी मेहनत करने के बाद हम पहुंच चुके हैं चोटी पे और हमारा रिवॉर्ड भी यहाँ पे मिल चुका है, पेपर बोट की चिक्की। और यहाँ पे टाइम हो चुका है SPO2 और HR का रीडिंग, तो somehow MM&6 यहाँ पे मेजर नहीं कर पा रहा था। मे बी हाथ पे थोड़ा पसीना होगा तो इट वॉज नॉट एबल टू मेजर। और HR मॉनिटरिंग में भी काफी बड़ा डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा था। तो इसके बाद मैंने MM&6 को थोड़ा आगे की तरफ पहना और उसके बाद Honor Band 6 को पीछे की तरफ। तो SPO2 की रीडिंग सेम दिख रही है मुझे Honor Band 6 में और MM&6 में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और HR मॉनिटरिंग में भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा है। तो जस्ट टू बी डबल श्योर, यहाँ पे मैंने 2 रीडिंग्स ली हैं और सेकेंड रीडिंग भी हमारी काफ़ी क्लोज लग रही है। तो इसी के साथ फिर से सारे डायलॉग्स को रिमाइंड करने का समय आ चुका है। सबसे पहला, पानी बहुत गीला है, पानी बहुत गीला है। दूसरा, उसका बड़ा भाई उससे बड़ा है क्या? वो खतरनाक है। ठीक है संजय का दीपक संदीप ने पैर रख दिया। हाँ क्या? अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, पैर रख दिया क्या? हाँ अपने पैर रख दिया, लेकिन बच गया। ये सांप है क्या? ये सांप है, सांप है। वो सांप थे क्या? था वो वर दे डेंजरस? ये मस्त लग रहा है। तो ये है हमारी रीडिंग नंबर 7। समहाउ स्टेप्स का डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा है। ऑनर बैंड 6 में ज्यादा स्टेप्स दिखा रहा है MM&6 के कंपैरेटिवली। और ये है रीडिंग नंबर 8, जिसमें कि SPO2 और HR दोनों ही काफी क्लोज काउंट यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। और दोस्तों यहाँ पे हमें सनलाइट में डिस्प्ले देखने का डिफरेंस भी समझ में आ रहा है। ऑनर बैंड 6 में थोड़ा हमें इजीली देख पा रहे हैं बड़ा डिस्प्ले होने की वजह से, MM&6 में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है ब्राइट लाइट में रीड करने में। तो रीडिंग 9 में भी हमें स्टेप्स का काउंट यहाँ पे बढ़ते हुए ही दिख रहा है। HR का भी डिफरेंस काफी बड़ा है। दोस्तों हम उस पीछे जो ग्रीन कलर की पहाड़ी दिख रही है वहां से चढ़े थे, ऊपर गए 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 गए, फिर वहां पे एक पहाड़ी टेकड़ी दिख रही है, वहां पे गए, झंडे के पास गए, फिर वहां से आए 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 और फिर अभी यहाँ से नीचे आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा our original spot completed finally after almost like 11 kilometers of trekking. Nahin, 11 nahi, 12.95, almost 13 12, kilometers 13 kilometers of trekking, finally we are back. Car hamari yahi pe wait kar rahi hai hamara bande ke, time to go। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी थक्के भरे हाइक के बाद हम पहुंच चुके हैं फाइनली घर पे और टाइम हो चुका है एक फाइनल रीडिंग लेने का। तो यहाँ पे स्टेप्स का काउंट काफ़ी बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया है, ऑलमोस्ट 3592 स्टेप्स का डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। ऑनर बैंड ज़्यादा स्टेप्स दिखा रहा है कंपेयर टू MM&6। HR काउंट यहाँ पे ऑलमोस्ट ही सेम दिखा रहा है और बैटरी भी कंसिस्टेंटली ही ड्रॉप हुई है दोनों ही बैंड्स में, तो दोनों का कंजम्पशन इक्वल ही यहाँ पे मुझे दिख रहा है।
तो इसके बाद तुरंत ही दोस्तों मैंने डेटा सिंक कर लिया अपने मोबाइल फोन में दोनों ही बैंड्स का, और यहाँ पे हमें एचआर का जो ग्राफ है कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ऑनर बैंड 6 में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इनिशियली अराउंड 11 बजे तक कुछ भी बड़े स्पाइक्स यहाँ पे नहीं थे, हार्ट रेट हमारा क्वाइट कंसिस्टेंट था। 11 बजे के बाद थोड़ा स्पाइक्स बढ़े क्योंकि हम थोड़ा एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन एमआई बैंड 6 में ये स्टार्टिंग में भी एक्सटेंसिव स्पाइक्स दिखा रहा है एज इफ वी वर डूइंग मोर एक्सरसाइज। तो हार्ट रेट यहाँ पे सम हाउ इनिशियली ज़्यादा ही दिखा रहा था, जबकि सेकेंड हाफ है आफ्टर 12 जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहा है ऑनर बैंड 6 और एमआई बैंड 6 में। तो दोस्तों अभी हो चुके हैं 4:10 और इस पॉइंट पे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। 14 किलोमीटर ऑलमोस्ट हमने हाइक की थी और काफ़ी थक गए थे, तो मैं इसके बाद वॉच को निकाल लिया, और वॉच को निकालते हुए आप देख सकते हैं हाथ की हालत। तो मैंने काफ़ी टाइटली इनको रिस्ट पे बांधा था क्योंकि मुझे रिजल्ट्स थोड़े नियर टू एक्यूरेसी चाहिए थे, लेकिन हालत इसमें ख़राब हुई क्योंकि इतना हाइकिंग करने के बाद यहाँ पे निशान से बन गए थे। तो दोस्तों दोपहर की क्विक नैप के बाद रात को नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने थोड़ा सा काम कर लिया और रात को ऑलमोस्ट मैं 127 पे सो गया। और इंटरेस्टिंग, दोनों ही वॉचेस सेम रिजल्ट दे रहे हैं, दोनों ही बता रहे हैं मुझे कि रात को 127 AM पे मैं रात को सो गया। और मॉर्निंग का राइज टाइम भी दोनों का एक्यूरेट दिखा रहा है इवन टू द मिनट, सो 8:43 AM वॉज द टाइम व्हेन आई वोक अप। लेकिन यहाँ पे अगेन टू माय डिससेटिस्फैक्शन दोनों का ही जो डीप स्लीप है, लाइट स्लीप है, रैम स्लीप है, सारा बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे दिखा रहा है। तो आई एम नॉट श्योर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि कौन सा एक्यूरेट रिजल्ट है। और इसमें एमआई बैंड 6 में हमें एक एडिशनल डेटा देखने को मिलता है जो कि है टाइम अवेक। तो टाइम अवेक समथिंग माइट बी आप पानी पीने के लिए उठे हैं या वॉशरूम जाने के लिए गए हैं, तो शायद वो होगा। समहाउ ऑनर बैंड 6 में ये डेटा अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों ये मॉर्निंग के रीडिंग के बाद मैंने एक फाइनल रीडिंग ली हमारे ऑनर बैंड 6 और एमआई बैंड 6 की, क्योंकि बैटरी हमने अभी वापस चार्ज नहीं की है पूरा दिन 24 आवर्स यूज़ करने के बाद। तो देख लेते हैं बैटरी और एचआर मॉनिटरिंग कैसे दिखा रहा है। तो यहाँ पे स्टेप्स तो रात को रीसेट हो गए थे तो वो देखने का मतलब नहीं है, और एचआर मॉनिटरिंग में थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है सुबह के समय भी। और बैटरी जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखा रहा है, 87% कंज्यूम हुई है ऑनर बैंड 6 की और 89% कंज्यूम हुई है एमआई बैंड 6 की। तो पॉइंट टू बी नोटेड, हमने जब ये स्टार्ट किया था तो इनिशियली ऑनर बैंड 6 की 95% बैटरी थी और एमआई बैंड 6 की 98%। तो देखा जाए तो दोनों ही वॉचेस ने इक्वल अमाउंट की बैटरी कंज्यूम की है। तो यहाँ पे हम नोट करें कि ऑनर बैंड 6 का डिस्प्ले बड़ा है, एमआई बैंड 6 का थोड़ा छोटा है, लेकिन एमआई बैंड 6 में पीपीआई रिजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, उसके वजह से वो कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा करता है। ऑनर बैंड 6 में पीपीआई रिजोल्यूशन थोड़ा कम साइड में है, तो इसीलिए ये शायद दोनों ही वॉचेस ने इक्वल अमाउंट ऑफ बैटरी यूज़ की है ऑनर बैंड 6 का डिस्प्ले बड़ा होने के बावजूद। तो दोस्तों अगर कंक्लूड किया जाए इस वीडियो को, तो किसी का भी एक बैंड का मैं रिजल्ट एक्यूरेट नहीं बोल सकता हूँ। देयर वर टाइम्स कि मुझे इक्वल रीडिंग्स देखने को मिली है, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन देयर वर टाइम्स कि यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस भी मुझे देखने को मिला है। लेकिन एक बात तो श्योर है कि अगर राइट कंडीशंस में इन्हें टेस्ट किया जाए तो शायद ये प्रॉपर रिजल्ट्स दे दें। और अगर स्लीप ट्रैकिंग की बात करें तो स्लीप ट्रैकिंग का वेकअप टाइम और बेड टाइम बहुत ही एक्यूरेट दिख रहा है दोनों भी वॉचेस, बट समहाउ डीप स्लीप और जो स्लीपिंग पैटर्न है दोनों में बड़ा डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों रिजल्ट्स आपके सामने हैं, आप खुद ही जज कर सकते हैं। तो दोस्तों एमआई बैंड 6 का एक्यूरेसी टेस्ट मैं जल्द ही करने वाला हूँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी ये मैं रिलीज करूँ वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।